अभी आधा खत्म हुआ है। आदिवासी तेल जो दावा करती है आपके बाल रुक जाएंगे, घने हो जाएंगे, जो गिर गए हैं वापस आ जाएंगे। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, और एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जैसे जैसे मैं यूज करता रहूंगा आदिवासी तेल, और वो जो तेल है कितना काम करता है वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा। जो मैं आदिवासी तेल यूज कर रहा हूँ वो कितना वर्क कर रहा है, कैसा काम कर रहा है और उसका रिजल्ट क्या है। तो मैंने ये बताया था कि जैसे जैसे मैं उसको यूज करूँगा और उसका क्या रिजल्ट रहता है स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। सो इसके लिए मैं सोचा कि ये वीडियो बना के आप लोगों को बताऊँ कि हाँ कहाँ तक मैं मेरा जो प्रोग्रेस है कहाँ तक पहुँचा है। और मैं बताया था कि जो एक बोतल, एक्चुअली मैंने सोचा कि एक बोतल ख़त्म हो जाएगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा और उसके बाद बताऊँगा कि रिजल्ट क्या है एक बोतल ख़त्म होने के बाद, क्योंकि दो बोतल था। तो ये एक फूल है अभी वैसे ही पड़ा हुआ, और ये जो दूसरा है देख सकते हो इसमें अभी इतना है, आधा है। सो इसमें आधा है और ये फूल है, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है और ये आधा ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअली आधा से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, और ये डेली मैं रात को लगाता हूँ और सुबह वॉश कर लेता हूँ। तो आधा बचा हुआ है, इसका रिजल्ट बताता हूँ क्या है। और जब मैं लास्ट वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा जो बाल था, मैं जस्ट सैलून से आए हुए, मेरे को 2-3 दिन ही हुआ था, तो बाल बिल्कुल ही ख़त्म था, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ स्काल्प दिख रहा था। अभी जो है इस तरह का मैं आपको बाल दिखाता हूँ कि मेरा जो बाल है वो कैसा है, इतना आया है और ये देख सकते हो। सो मेरे बहुत सारे जो बाल है वाइट भी हो चुके हैं साइड साइड में, आपको दिख रहा होगा। तो फिलहाल ये है मेरा अभी तक का प्रोग्रेस, इसका रिजल्ट। एक्चुअली क्या है, अभी मैं बाल इतने बड़े तो हो चुके हैं, क्योंकि उस टाइम लास्ट वीडियो में बिल्कुल ही बाल नहीं आए थे बाहर, और इस बार आ चुका है। तो अब मैं जब नहाता हूँ और शैम्पू लगाता हूँ सो मेरे बाल तो नहीं आते हैं, मतलब हाथ में जो बाल आते थे पहले तो नहीं आते हैं। इसके पीछे रीजन ये हो सकता है क्योंकि छोटा बाल है इसलिए शायद नहीं आ रहा है, और गिर भी नहीं रहे, मतलब हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एक भी हाथ में नहीं आता है। तो नहाऊँ या शैम्पू करूँ कुछ भी करूँ बाल नहीं आता है, क्योंकि अभी छोटा है। शायद इसका रीजन ये भी हो सकता है कि छोटा है तो इसलिए बाल नहीं आता है, मोस्टली छोटा होने पर बाल नहीं आता है, नहीं गिरता है। सो ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि हाँ बहुत ज़्यादा काम कर गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब पूरा बोतल ख़त्म होगा, थोड़े बाल बड़े होंगे, तो और बेटर रिजल्ट इसका क्या है वो मैं बताऊंगा। सो मैं सोचा था कि एक महीना के बाद बनाऊंगा या फिर एक बोतल ख़त्म हो जाएगा तो बताऊंगा कि क्या रिजल्ट है इसका आदिवासी तेल का। बट उसके बीच में क्या हो रहा है, मैं क्या मंगा रहा हूँ और कुछ क्या यूज कर रहा हूँ, मैं सोचा वही बता देता हूँ आपको। तो एक्चुअली मैंने ऑनलाइन एक अमेजोन से एक प्रोडक्ट मंगाया है, तो मैं सोचता हूँ आपको दिखा दूँ कि मैं ये क्यों मंगाया है और ये कैसे यूज करने वाला हूँ, आपके सामने ही अनबॉक्सिंग करता हूँ। मैं 2 दिन पहले ही मंगा के इसको रखा था, बट टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए, तो मैं सोचा कि जब टाइम मिलेगा तो ही मैं अनबॉक्सिंग करूँगा। सो क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा हाँ मैं क्या मंगाया हूँ, और सिर्फ तेल लगाने से ही काम नहीं चलेगा, मैंने ऐसा सोचा कि सिर्फ तेल लगाने से काम नहीं चलेगा, कुछ इसके बारे में काफ़ी स्टडी किया, काफ़ी रिसर्च किया, तो मुझे लगा कि ये भी मंगा लेना चाहिए। तो मैंने ये भी मंगा लिया है, ये रहा अमेजोन, इसके अंदर है, अभी खोलूँगा इसको, देखते हैं अनबॉक्सिंग करता हूँ क्या इसके अंदर, करता हूँ मैं नीचे। बहुत सारे लोगों को पता होगा ये क्या है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली है डर्मा रोलर बोलते हैं इसको। इसका कवर तो काफ़ी अच्छा है। सो गाइस ये है डर्मा रोलर, देख सकते हो आप, और इसके ऊपर जो है छोटी छोटी वो रहती है, मतलब कांटा जैसा रहता है, नीडल्स जैसा। तो मैं अभी इसको यूज किया नहीं कभी, फर्स्ट टाइम यूज करूँगा। सो मैंने आपको दिखा दिए, ये है डर्मा रोलर। सपोज अगर दाढ़ी किसी किसी का यहाँ पे नहीं है, साइड में नहीं है, मेरा भी सपोज यहाँ पे ऐसा कम है, अगर मैं इसको प्रॉपर यहाँ पे यूज़ करूँगा कंटिन्यू तो शायद आने का चांस है, ऐसा जहाँ तक मैं स्टडी किया उसके बारे में, रिसर्च किया हूँ। बट मैं एक्चुअली दाढ़ी के लिए नहीं मंगाया हूँ, मैं बाल के लिए मंगाया हूँ, क्योंकि बाल में डैंड्रफ का थोड़ा इशू है मेरा, और जो ब्लड है उसको सर्कुलेट करेगा वहाँ पे, अगर किसी भी चीज़ को आप जब आप वहाँ पे बार बार ये करते हो तो वो सर्कुलेट करेगा,
तो ब्लड को सर्कुलेशन करने में इसका काफ़ी अहम रोल है। तो मैं जो है बाल अगर मैं ऐसे रखता हूँ, अभी छोटे हैं इसलिए ज़्यादा अच्छा काम करेगा, तो मैं सोचा कि अभी अच्छा टाइम है और ये मंगा लेता हूँ और इसको मैं यूज करूँगा। तो इसको एक्चुअली मैं ऐसे रख के ऐसे यूज करने वाला हूँ, और ये ज़्यादा यूज नहीं करना है, इसको डेली यूज नहीं करना है, इसको हफ्ता में 2 दिन ही यूज करना है, ऐसा लिखा है इसमें। सो गाइस, अगर आप किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप ये यूज करो, अगर यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट आपका जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए इसको यूज़ करने से पहले। अगर आपका किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनसे ज़रूर बात कर लो कि आप, हाँ मैं यूज करना चाहता हूँ, इसका क्या रोल है, मैं यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, उसके बाद ही यूज करो। सो मेरा कोई डॉक्टर का ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है, मैं जस्ट आदिवासी तेल यूज कर रहा हूँ, जैसे कि मैं पिछली वीडियो बताया हूँ सब आदिवासी तेल के बारे में, तो इसलिए मैंने मंगाया है और फिलहाल मैं यूज करूँगा इसको। और ये है, इसके साथ ये दिया है, हाइजीन के लिए दिया है। सो गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आदिवासी तेल यूज कर रहा हूँ मैं, ये एक्चुअली मैं ओवरनाइट लगाता तो हूँ, बट सुबह उठने के बाद मैं शैम्पू नहीं करता हूँ, मैं डेली शैम्पू नहीं करता हूँ, हफ्ते में 3 दिन ही शैम्पू करता हूँ। शैम्पू ये लगाने के बाद 3 दिन, मतलब 2 दिन गैप करता हूँ, एक्चुअली 2 दिन गैप करके फिर शैम्पू करता हूँ, और डेली जो धोता हूँ सुबह में वो सिर्फ नॉर्मल पानी से धोता हूँ, ऐसे ही नॉर्मल पानी से धो लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं। हर 2 दिन के बाद मैं शैम्पू यूज़ करता हूँ, डेली शैम्पू यूज नहीं करता हूँ। गाइस, बीच बीच में मेरा वीडियो बंद हो जा रहा है, एक्चुअली मेरा स्टोरेज का थोड़ा इश्यू हो गया है, स्टोरेज कम है, बहुत सारी वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा हमको। और जो शैम्पू है, ऐसा कोई मैं शैम्पू कोई यूज नहीं करता, नॉर्मल शैम्पू यूज़ करता हूँ, बट उसके बारे में भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ उसके ऊपर कि कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा हमारे बालों के लिए बेटर रहेगा। अगर मैं ऐसा कोई शैम्पू यूज करूँगा कि भाई ये शैम्पू यूज करने वाला हूँ मैं, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर भी कि मैं ये यूज करने वाला हूँ और इसका रिजल्ट देखते हैं कैसा रहेगा। सो ये जो बोतल है, एक बोतल अभी आधा ख़त्म हुआ है, आधा ख़त्म होने के बाद फिर मैं बताऊँगा आपको कि क्या रिजल्ट है इसका। आदिवासी तेल जो दावा करती है कि हाँ आपके बाल रुक जाएंगे, घने हो जाएंगे, जो गिर गए हैं वापस आ जाएंगे, उसका जो जेन्युइन रिव्यू है वो मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा जितना काम कर रहा है, जैसा हो रहा है, वही मैं बताने वाला हूँ आपको। जो है काम करेगा तो मैं बताऊंगा कि काम कर रहा है, नहीं करेगा तो ये बोलूंगा कि मैं काम नहीं किया, और थोड़ा बहुत करेगा 50%, 80%, 30% जो भी है वो मैं उतना ही बताऊंगा आपको। सो गाइस, ये था आज का वीडियो, और आगे मैं बताता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप कितना वर्क कर रहा है, क्या काम कर रहा है तेल, और ये इसके साथ डर्मा रोलर। सो ये था आज का वीडियो, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।